हेलो दोस्तों, मारुति एस-प्रेसो फेसलिफ्ट इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाली है, जहां पे फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे और नया क्रोम स्लेटेड ग्रिल देखने को मिलेगा, जिसके कारण इसका फ्रंट लुक पहले से बोल्ड और एसयूवी देखने को मिलता है। साथ में यहां पे आपको जो फॉग लाइट है वो आपको हेलोजन के साथ देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़े नए डिज़ाइन में। अगर बात करें नीचे की तरफ तो आपको नया यहाँ पर बम्पर देखने को मिलेगा, जो इसको काफ़ी अच्छा फ्रंट लुक देता है। बाकी फ्रंट लुक आपको इसी प्रकार का देखने को मिलने वाला है। साइड लुक की बात करें तो यहाँ पे अब आपको टॉप मॉडल में अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अगर बात करें बैक लुक की तो बैक लुक में थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पर बैक डिज़ाइन थोड़ा सा नया निकल कर आता है, जिसके कारण अब आपको नई फीलिंग इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। इंटीरियर लेकिन काफ़ी बदला देखने को मिलेगा, जहाँ पर अब जो आपका जो MID डिस्प्ले है उसको स्टेयरिंग के पास शिफ्ट कर दिया गया, जो कि बीच में देखने को मिलता था, जो कि काफ़ी ख़राब लगता था। साथ में फ्रंट में आपको हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे और डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि एस-प्रेसो ने 0 स्टार स्कोर किया है ग्लोबल NCAP में। पीछे की तरफ में सीट्स का आपको चौड़ाई और लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, और पहली बार पावर विंडो भी इंट्रोड्यूस की जा रही है पीछे की तरफ, जो कि काफ़ी नेसेसरी फीचर्स था। यहाँ पर आपको CNG का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि 32 KMPL की माइलेज आपको देगा। और अगर बात करें यहाँ पे पेट्रोल इंजन, तो आपको सेम 1000 CC का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 21.4 KMPL का माइलेज आपको देगा। तो ठीक ठाक इंजन आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अब आपको ऑटोमेटिक गियर ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात होने जा रही है, जो लोग मांग रहे थे ऑटो गियर शिफ्ट। अगर बात करें इसके प्राइजिंग की, तो इसका प्राइजिंग आपको 3.99 से 5.50 lakhs एक्स शोरूम देखने को मिल जाएगा। और लॉन्च डेट की बात करें तो 2022 में ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। वीडियो देखने के लिए